हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शेयर बाजार से कैसे प्रॉफिट जनरेट करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। हर महीने 5 लाख रुपया कमाएंगे, पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट को जानेंगे और कब कहां किस शेयर में निवेश करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, ये है वॉरेन बफेट। दोस्तों, शेयर मार्केट में ये इतने पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं कि ये दौलत के मामले में 4वें नंबर पर आते हैं वर्ल्ड में। निफ्टी 50 को समझेंगे, सेंसेक्स को समझेंगे, यहाँ पर डिविडेंड को भी समझेंगे कि कौन सा कंपनियाँ डिविडेंड देती है, कितने देती है और कैसे डिविडेंड देती है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर अडानी पोर्ट है या अपोलो है, यहाँ पर जितने भी मैं शेयर्स का नाम बताने जा रहा हूँ या मैं दिखलाने जा रहा हूँ, ये निफ्टी 50 के अंदर में आते हैं। निफ्टी 50 का मतलब ये होता है कि टॉप 50, जो भी टॉप 50 कंपनी होती है जो अच्छे परफॉर्म करती है टॉप 50 के अंदर में, पूरे इंडिया के अंदर में, उसे निफ्टी 50 के अंदर में रखा जाता है। दोस्तों, इंडिया में शेयर्स बाय करना और सेल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप यहाँ पे जब प्राइस ऐसे घटता है तो उसे बाय कर ले और जब प्राइस बढ़ता है तो सेल कर दे। इस तरह से आप ऐसे प्रॉफिट जनरेट करते कर सकते हैं। चाहे किसी भी कंपनी का शेयर खरीदें, आप उसमें प्रॉफिट आपको जनरेट हो जाएगा। दोस्तों, डिविडेंड का मतलब ये होता है ना कि अगर किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर्स लेते हैं, सपोज दैट अगर मैं विप्रो का बात करता हूँ, अगर आप विप्रो का शेयर लेते हैं, अगर 5 शेयर लेते हैं, अगर उसे छोड़ देते हैं, तो हर साल के लास्ट में कंपनियाँ करती है क्या, डिविडेंड देती है। वो डिसाइड करती है कि डिविडेंड देना है। तो डिविडेंड जब देती है कंपनियाँ, तो 1 शेयर को 2 शेयर में कन्वर्ट कर देती है, जैसे 5 शेयर को 10 शेयर में कन्वर्ट कर देगी। अगर प्राइस उसका 500 रुपया है तो वो प्राइस को ऐसा हाफ कर देगी, 250 रुपया प्राइस को कर देगी और उसे 2 गुना शेयर्स को कर देगी। इस तरह से उसे डिविडेंड कहा जाता है। दोस्तों, मतलब जो भी प्रॉफिट होता है, खर्चे काट के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ऐसे बोनस के रूप में भी दिया जाता है और डिविडेंड के रूप में भी दिया जाता है। जैसे अभी ITC जो कंपनी है, ITC अभी ऐसे डिविडेंड देने वाली है इस साल। जो हर कंपनियाँ घोषणा करती है कि कब ऐसे डिविडेंड उसको देना है, कितना डिविडेंड देना है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ कंपनियाँ माइनस में भी गई है। माइनस में जाने का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनियाँ ऐसे प्रॉफिट नहीं देती है। जो इन्वेस्टर हैं, जो ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, वो डेली ट्रेडिंग अगर करते हैं तो डेली बेसिस पे भी ऐसे पैसे कमाते हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि नेट ने ये 18,380 रुपये का शेयर्स है और 245 रुपये ऐसे माइनस में गया है। दोस्तों, यहाँ पे पावर ग्रिड भी ऐसे माइनस में गए हैं, ONGC भी माइनस में गए हैं। तो इसका फंडा ये है माइनस में जाने का, अगर कंपनियाँ, आपको मालूम है कि किसी कंपनियाँ का प्राइस ऐसे 200 रुपया है, अगर वो घट के 100 रुपया पे आ जाए, अगर आपको ऐसे लगता है ये कैलकुलेशन करने से, तो उस कंपनियाँ का शेयर को पहले आप बेच दो 200 रुपया में। 200 रुपये में बेचने से ये होगा कि आप तो 200 रुपये में बेच दिए और जब वो 100 रुपया पे आ जाए तो 100 रुपया में आप खरीद, लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए। जितना आप बेच रहे हो उतने ही यूनिट ऐसे आप खरीद भी सकते हो, तब जाके ऐसे दोनों बराबर होगा और आपको 100 रुपया पर शेयर का मुनाफा होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं मुनाफा। अल्ट्राटेक का आप यहाँ पे देख रहे हो 6,000 रुपया पर शेयर प्राइस है। दोस्तों, 103 रुपया का प्रॉफिट आज दिया है। यहाँ पे विप्रो का मैं बात करता हूँ, तो विप्रो का एक लोग ने 1980 में 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था विप्रो में, आज उन्होंने 1500 करोड़ रुपया का ऐसे रेवेन्यू इनसे जनरेट कर रखा है। ITC की मैं बात करूंगा, अगर इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे ITC लगातार ग्रो कर रही है, SBI की बात कर रहा हूँ, SBI भी लगातार ग्रो कर रही है। और मैं बात कर रहा हूँ एक दूसरे शेयर की जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, छोटा सा शेयर है, इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों, वो है जेनिथ स्टील है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, तो आप इसमें निवेश करें। और मैं बहुत सारे छोटे छोटे कंपनियाँ का नाम बता रहा हूँ जिसका आप वॉल्यूम में ले सकते हैं। जैसे आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये शेयर्स हैं, तो आपको लगभग लगभग 100 शेयर से 200 शेयर, 300 शेयर, जो प्राइस पे डिपेंड करता है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। इतना आपको शेयर से मिल जाएंगे वॉल्यूम की, अगर 1 रुपये शेयर से भी अगर बढ़ते हैं तो आपको ऐसे 1000 रुपया ऐसे बढ़ जाएंगे डेली का। दोस्तों, ठीक है, तो आप इन सारे शेयर्स में किसी भी शेयर्स को ले सकते हैं, बट इतना शेयर्स में पैसे लगाएं कि अगर वो अगर लॉस में भी जाए तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना।